सिक्योरिटी चेक करेंगे, ये देख सकते हैं ये एरिया सिक्योरिटी चेक का है। ठीक है, यहाँ पे जब आएंगे ओपन में तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्च के लिए लेफ्ट डायरेक्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, हमने सिर्फ 2 रुपीज में ये लॉन्च बुक किया है। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम लोग चल रहे हैं, अब हमारे पास सफिशियंट टाइम है। अभी बज रहे हैं लाइक 10:40 हो रहे हैं और हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है 1 बजे, तो सफिशियंट टाइम है हमारे पास। तो यहाँ से बस हम लोग सिक्योरिटी चेक करते हैं और फिर हम लोग एयरपोर्ट लॉज में कोशिश करेंगे स्टे करने का, वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। अभी हैं बेंगलोर एयरपोर्ट में और अभी जो सिक्योरिटी चेक हमने कर लिया है, हमारी अभी फ़्लाइट की जो टाइमिंग है 2 घंटे बाद की है, तो हमने डिसाइड किया यहाँ पे लॉन्च में रुकने का। तो देख सकते हैं सिक्योरिटी चेक करेंगे, ये देख सकते हैं ये एरिया सिक्योरिटी चेक का है। ठीक है, यहाँ पे जब आएंगे ओपन में तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्च के लिए लेफ्ट डायरेक्शन दिया गया है, इन्फॉर्मेशन गेट नंबर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो लॉन्च के लिए आप लेफ्ट साइड जाना है, तो चलिए चलते हैं लॉन्च की तरफ। सिक्योरिटी चेक कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉन्च, जब आप बेंगलोर में सिक्योरिटी चेक करेंगे उसके जस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी चेक का एरिया है, उसके जस्ट आगे आप आएंगे तो ये है आपका डोमेस्टिक लॉन्च। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और डोमेस्टिक लॉन्च में रुकने का करते हैं और फिर आपको आगे बताते हैं। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट लॉन्ज में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कौन कौन सी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आपको दिखाएंगे। ओनली 2 रुपीज में हम लोगों ने यहाँ पे आ गए, तो ये आपको दिखाएंगे आगे। ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स एयरपोर्ट लॉन्च में एंट्री करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में आप ले सकते हैं। एयरपोर्ट लॉन्च में जैसे आप एंट्री करते हैं सारा चीज़ यहाँ पे जो भी है अवेलेबल, सारी चीज़ें आप फ्री में खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, हमने सिर्फ 2 रुपीज में ये लॉन्च बुक किया है। यहाँ पे क्या है कि आप, हमने बात किया यहाँ के ऑपरेटर से, यहाँ पे देख सकते हैं 2 था तो हमने ये बुक किया है, तो किस तरह से बुक कर सकते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। फ्रेंड्स मैं फाइनली यहाँ का प्रोसीजर बता देता हूँ। मैम ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बुक कराई हैं, तो मैम से जानते हैं ये एयरपोर्ट लॉन्च बुक करने की क्या प्रक्रिया है, तो बुक करने की क्या प्रोसेस है और साथ ही साथ ये बताएंगी, थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में आप बोलना ठीक है, और साथ ही साथ ये बताएंगी कि यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो सारा चीज़ हमने बताया। और हमने वहाँ पे एक स्टाफ था उनसे भी बात करा है, तो मैम उसका भी एक्सपीरियंस बताएंगी कि लाइक उन्होंने क्या बोला नहीं बोला। तो मैम आप बताइए। लॉन्च बुकिंग एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइम किया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और या फिर डेबिट कार्ड है, बट आपको उसमें पता होना चाहिए कि किसी किसी की डेबिट कार्ड में अलाउड नहीं रहता है, लॉन्च एक्सेस अलाउड नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड में अलाउड है। तो फ्रेंड्स ये जो बता रही हैं उसका ये मतलब है कि लाइक आप जब क्रेडिट कार्ड कहीं से आप लोगे या फिर डेबिट कार्ड लोगे, लाइक HDFC का लोगे, एक्सिस बैंक का लोगे या फिर SBI का लोगे, तो उसमें क्या है कि जब आपको दे दिया जाता है, जैसे कि HDFC वाले कार्ड को मिलेनियम कार्ड बोला जाता है, तो उसमें जब आप लोगे तो आपको जो है बैंक के थ्रू ये बता दिया जाएगा। तो लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें जो हमारा जो कार्ड है वो HDFC का है, मिलेनियम कार्ड है, तो उन्होंने जब आप कहीं से कार्ड लोगे, किसी भी बैंक से कार्ड लोगे, तो वो आपको बता देंगे कि इस कार्ड के थ्रू आपको ये चीज़ें एक्सेस मिलेंगी। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, कस्टमर केयर से भी, रेस्पेक्टिव बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं कि उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आपको क्या क्या एक्सेस मिलेंगे, लाइक एयरपोर्ट लॉन्च में एक्सेस मिल सकती हैं, फ्लाइट में कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, बाकी अदर चीज़ें जो भी आपको है वो आप बात कर सकते हैं आगे का। चलिए सुनते हैं फिर से मैम से। सो उसके बाद क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है आपको, देखिए लॉन्च की आपको देखना है लॉन्च किधर है, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, इसके बाद आपके पास जो भी जिसमें भी लॉन्च एक्सेसिबल है वो आप यहाँ पे देना है, बट हाँ पर कार्ड 1 पर्सन ओनली है।
अगर आप एक जन हैं तो आपको एक कार्ड चाहिए, बट अगर आप एक से ज़्यादा रहें तो आपको अकॉर्डिंगली आपको उतने ही कार्ड चाहिए। अभी आप कार्ड देंगे, इसके बाद दे आर आस्किंग फॉर पिन, जो भी आपका एटीएम पिन है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद वो आपके अकाउंट से 2 रुपये कट करके एंड दे विल गिव दिस स्लिप टू यू, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ से उन्होंने सिर्फ 2 रुपीज़ डेबिट किया है। और लॉन्च में क्या मिलेगा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं है। जैसा कि मैंने अभी स्टाफ से वहाँ पे बात किया, रूम्स आप चाहोगे कि यहाँ पे रूम्स में स्टे कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे आप सिंपली मिल सकता है। हो सकता है कि आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बाकी बड़े बड़े एयरपोर्ट में आपको कुछ लाइक रेस्ट करने के लिए उस टाइप के सीट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बैठने लायक है। तो आप 3 घंटे लाइक आप आराम से लाइक काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे अभी मॉर्निंग के टाइम में हमने आया था, हमें ब्रेकफास्ट मिला था, ठीक है, तो उसमें बुफे आइटम थी। ठीक है, तो वहाँ पे लाइक बुफे में बहुत सारा कुछ था, जो भी हमने दिखा है आपको वो सारा चीज़ें। इसके अलावा ड्रिंक अवेलेबल है, ऑमलेट अवेलेबल है, पराठे अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं। और लंच का जैसे टाइमिंग हो तो फिर वो राइस और बहुत सारे चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे। बड़ी बात होती है ट्रैवल में आपके बैटरी की, जो जिसमें आप पावर बैंक यदि लेकर नहीं आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं ये सारा बनाया गया है, स्लॉट बनाया गया है, चार्जिंग स्लॉट बनाया गया है। तो हम अपने को चार्ज लगा देते हैं, ये देखिए हमने अपने चार्जिंग को लगा दिया है। दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप एयरपोर्ट लाउंज में एंट्री करने के बाद एक सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे दी जाती हैं फूडिंग के लिए, एंड अनलिमिटेड आप खा सकते हैं। आप जैसा कि मैंने आपको दिखाया उधर ऑमलेट देख सकते हो, क्या के लिए आप काउंटर ऑफ द डे, और आगे आप देख सकते हैं ऑमलेट, आपको चीज़ ऑमलेट चाहिए, मसाला ऑमलेट चाहिए, जैसा भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर कर सकते हैं और विद इन अ टाइम आपको बनाकर दे दिया जाता है। और आप जैसे हम लोग 2 लोग हैं तो ये मसाला ऑमलेट, ये चीज़ ऑमलेट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो लिया है, वहाँ पे जो बुफे लगी थी वहाँ से ये लिया है, एक आलू भाजी वाली है, कुछ ये चटनी है, ये केक है, और ये चिकन का कुछ आइटम है, और ये आलू एक भुर्जी है, ये ऑमलेट हमने बनवाया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर लंच के लिए उन्होंने बताया कि 12:30 से 12 o'clock से टाइमिंग है यहाँ पे लंच के लिए, उसके बाद वो बुफे वहाँ पे लगती है। तो अभी आप देख सकते हो मेनली यहाँ पे ब्रेकफास्ट वाले आइटम्स लगे हुए हैं। देख सकते हैं अभी हमने ड्रिंक भी ऑर्डर किया मैम ने बताया तो, और यहाँ पे मैम ही तो बता रही हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये इन्होंने ये थम्स अप लिया है, और हम मैंने ये फैंटा लिया है। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये ड्रिंक की शॉप है, वहाँ पे आप जो भी चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं जो बिजनेस क्लास वाले होते हैं इनको एक सेपरेट से दे दिया जाता है, रिजर्व फॉर बिजनेस क्लास, इनके लिए अलग से एक लॉन्च टाइप से उनको बैरिकेटिंग कर दिया जाता है। यहाँ पे जो भी बिजनेस क्लास वाले हैं विद फैमिली यहाँ पे वो स्टे करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 12 और हमारी लाइक जो बोर्डिंग टाइमिंग है 12:45 एक बजे के आसपास है। तो हम अभी थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं और फिर से लाइक ये इनको परेशानी थी कि अभी जो है हम मुझे ये करना है लंच करना है, तो लॉन्च में ही हम लोग हैं अभी, और फाइनली हमें जो ब्रेकफास्ट दिया गया अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो लंच भी इन्होंने प्रोवाइड करा है। तो अभी आपको दिखाते हैं लंच में कौन कौन सा आइटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंच के लिए इन्होंने कुछ बेसिक नहीं लिया है, बस एक पापड़ दिख रहा है मेरे को, फ्रूट्स दिख रहे हैं, और ये कॉर्न है, ये क्या है,
वाटर लेमन है क्या? वाटर लेमन एंड सलाद. ओके, दिस इज आल्सो सलाद. दिस इज नूडल्स. ओके, एंड दिस इज ओनली पापा. ओके, तो अल्टीमेटली घर जाके खाना ही है. तो यहाँ पे यही खा लेते ना, सलाद खा लेते हैं. श्योर श्योर श्योर. नॉर्मल से हमने लंच अभी मंगाया है, तो बस इसको खा के फिर हम लोग अपनी बोर्डिंग की गेट की तरफ चले गए. ये आप देख सकते हैं कोरिकोसी चिकन का भी आइटम है, चावल भी है, वेजिटेबल इंसाइड ग्रीन करी सारा आइटम है, स्नैक्स, कॉफी, चाय, सारा चीज आपको प्रोवाइड करेंगे. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉफी का मशीन है, आप कॉफी ले सकते हैं. और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, लाइक आप जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लाइक हाउ मेनी टाइम्स यू कैन यूज़ दैट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फॉर एयरपोर्ट लॉन्च. ठीक है, तो वो सारा चीज़ जैसे कि हमारा जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसमें एक ईयर में 4 या 5 times यू कैन यूज़ दैट सर्विसेज, तो आप हमेशा के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये 4 times 5 times आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मोर देन इनफ है. और प्लस क्या है कि यदि आप लॉन्ग जर्नी से आ रहे हैं और आपको थोड़ा सा लाइक रिफ्रेशमेंट चाहिए और बाहर में आप खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है, यहाँ पे 2 rupees में काफ़ी आप इन्जॉय कर सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी बेटर है यहाँ पे. आप आपको पराठे के लिए बोल सकते हैं, लाइक ऑमलेट हमने बनवा देना, लाइक दैट एक काउंटर है और पराठे. फ्रेंड्स फाइनली मैंने हमें दिखाया कि किस तरह से आप 2 rupees ओनली में आप जो है बुक कर सकते हैं एयरपोर्ट लॉन्च को, तो काफ़ी हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, लाइक हम फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था हमारे लिए, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप लाइक कोशिश कर सकते हैं, आप अपने रेस्पेक्टिव बैंक वाले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाले से बात कर सकते हैं, तो उसमें कौन सा अमाउंट है जो आपको देने पे ये चीज़ आपको एक्सेसिबल हो जाएगा. तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी वीडियो एयरपोर्ट लॉन्च के ऊपर, और लाइक नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है जो आप देख सकते हैं, लाइक जो हमने कनेक्टिंग फ्लाइट किया था बैंगलोर से बैंगलोर, वो सारा चीज़ आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, आप उसको भी देख के इन्जॉय कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, इंटरटेनमेंट वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए. टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर.